दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप तमाम लोग जानते हैं कि उन्हें जूनागढ़ अदालत ने वैसे तो बेल दे दिया है, लेकिन वो बेल कंडीशनल बेल है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो अनकंडीशनल बेल है। उन्हें बहुत सारी सहभागिता जो है वो एटीएस को और कोर्ट को देनी होगी, और साथ ही साथ अब एटीएस ने जो बयान दिया है वो काफी चौंकाने वाला है और काफी परेशान करने वाला भी है। आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी जूनागढ़ में हुई, और उसके पहले तो मुंबई में हुई, उसके बाद उन्हें जूनागढ़ अदालत में पेश किया गया, उन्हें बेल भी मिल गई, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अब और भी आज भी कोर्ट में पेशी होना है, क्योंकि उन्होंने दूसरा एक भाषण जो है वो कच्छ में दिया था, और इसलिए उन्हें कच्छ जिला में जो है वहां की अदालत में पेश होना है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि एटीएस ने जो बयान दिया है, एटीएस ने इंडिया टीवी से बात करते हुए जो बातें कही है वो काफी चौंकाने वाली है। उनका ये कहना है कि मुफ्ती साहब को लेकर के अभी जांच आगे तक चलेगी, और उनका टेररिज्म से क्या लेना देना है अब इस पर जांच होने वाली है। और इस जांच की वजह आप तमाम लोग जानते हैं कि कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था कि एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला कोई सूफी है, न जाने कौन वो शख्स है, कौसर नाम करके सूफी कौसर करके उसने एक वीडियो बना करके ये बात कही है कि मुफ्ती साहब टेररिज्म में संलिप्त है, और कहीं ना कहीं उनका जो रिश्ता है वो तहरीक के लब्बैक से और तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन से उस इंसान ने मुफ्ती साहब का रिश्ता जोड़ा है। और ऐसे में मुफ्ती साहब को लेकर के अब जांच पड़ताल होने वाली है। हम वो वीडियो आगे आपको दिखाते हैं कि एटीएस के अधिकारी ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें दोस्तों कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के एटीएस ने ये भी बात कही है कि उनका जो ट्रस्ट है और उसकी भी जांच होगी, साथ ही साथ उनके पास कहाँ कौन सी फंडिंग आती है और आगे उनके द्वारा क्या कुछ काम किया जाता है, इन तमाम चीज़ों पर पैनी नज़र डाली जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब को एक ट्रैप में जो है वो लेने की कोशिशें होने की बात सामने आ रही है। सबसे पहले तो हम आपको जो है वो बयान दिखा दें कि मुफ्ती साहब को लेकर के क्या कुछ मामला जो है वो सामने आ रहे हैं। हमने आपको पहले भी कहा था कि आप हमें हिंदुस्तानी मीडिया को ट्विटर पर जा करके फॉलो कर सकते हैं, तमाम अपडेट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। आप देख सकते हैं कि इसमें अभी अभी जो अपडेट सामने आ रहा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी की कथित आतंकी एंगल पर भी अब जाँच होगी, और गुजरात एटीएस का ये कहना है कि कथित घृणास्पद भाषण मामले की जांच के साथ अब मुफ्ती सलमान अजहरी की कथित आतंकी एंगल पर, यानी कि पहले सिर्फ और सिर्फ भाषण पे उनकी स्पीच पर जो है वो केस था, लेकिन अब ये मामला जो है वो टेररिज्म पे आ रहा है, अब उनके आतंकी एंगल पर जांच शुरू होगी मुफ्ती साहब के को लेकर के। आगे देखिए दोस्तों, हम आपको तमाम अपडेट दे दें इस पूरे मामले को लेकर के कि क्या कुछ है आगे। कच्छ जिले के आगे जो बातें सामने आ रही है कि गुजरात के जूनागढ़ जिले के अदालत ने बुधवार को मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ दर्ज कथित घृणास्पद मामले में जमानत दी थी। जमानत मिलते ही मुफ्ती सलमान अजहरी को कच्छ पुलिस ने गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया, और अब कच्छ जिला के सामाखियाली में कार्यक्रम में मुफ्ती सलमान अजहरी पर कथित नफरत फैलाने वाले भाषण देने का आरोप है, और मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ कच्छ में मंगलवार को अपराध दर्ज किया गया था। यानी कि मंगलवार को पहले वो केस हुआ, उसके बाद मुफ्ती साहब को आगे तक कहीं ना कहीं अदालत में रखने के लिए, प्रशासनिक लोगों के हाथ में रखने के लिए उन पर एक और एफआईआर बाद में किया गया, ये कह करके कि उन्होंने जो है वो एक ऐसा भाषण दिया है जिससे कथित तौर पर नफरत फैल रही है। अब आपको हम गुजरात एटीएस का वो बयान सुना दें जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि आगे वो लोग क्या कुछ करने वाली है। तो ये गुजरात एटीएस से इंडिया टीवी ने जो बातचीत की है वो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से क्या कुछ बातें हुई है। मौलाना जो है ये इनका जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के बारे में कुछ सोशल मीडिया पे एक सूफी कनखा एसोसिएशन कानपुर के मोहम्मद कौसर सिद्दीकी जो है, इन्होंने भी एक कुछ स्टेटमेंट दिया, उसका भी हमने कॉग्निजेंस लिया कि इनका ये कुछ और बाहर के कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इनका एसोसिएशन है। ये सूफी क्या, तो मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि क्या बात कही जा रही है कि उस सूफी ने, सूफी कौसर नाम याद रखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि दूसरों से क्या खिला करना जब अपने ही लोग इस तरह की हरकत करते हैं, और इनके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाए गए हैं मुफ्ती साहब पे। कानपुर नगर में एक खानकाह है, कोई सूफी कौसर करके है, पता नहीं कौन है उसको, तो बहुत ज्यादा लोग जानता भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लाइमलाइट में रहने के लिए, मुफ्ती साहब के नाम का इस्तेमाल करने के लिए उस इंसान ने इस तरह के वीडियो बनाए हैं, और उसके बाद मुफ्ती साहब पे ये आरोप लगाया गया है। तो उस एंगल पर भी जो है जांच पड़ताल होने वाली है। आगे सुनिए, बात कर रहे हैं कौसर हसन, मोहम्मद कौसर हसन, उनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही स्टार्टलिंग है। इन्होंने तो बड़े स्पेसिफिक तौर पे कहा है कि ये एक तरह से सामाजिक विग्रह पैदा करने के
हर काम को बढ़ावा दे रहे हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो गजवाए हिंद का एजेंडा है उसको प्रोपोगेट करने में लगे हुए हैं, तो ये कितना सीरियसली ले रहे हैं आप इसमें? जी हम ये इसमें इसके पीछे क्या सच्चाई है ये हम इस इनके इनको इनका इनके पीछे की जो है वो चीज़ें हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इस पूरे इनका जो ये ट्रस्ट है, इनके इनका जो फाइनेंशियल इनकी जो फाइनेंसिंग है और इनकी फाइनेंसिंग के बाद इनकी एक्टिविटीज़ हैं, इनके ट्रस्टीज हैं, इन सबको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कि मुफ्ती साहब के बारे में अब जो है कि किस तरह से जांच पड़ताल होने वाली है। अब सिर्फ और सिर्फ भाषण पर जो उन्होंने जो भाषण दिया उस पर जांच नहीं होने वाली है, बल्कि इनका क्या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई रिश्ता है, एक्टिविटी है उनका, इसको लेकर के अब इस पर भी जांच पड़ताल होने वाली है। ये बातें सामने आ रही है, ये जिस ट्रस्ट से जुड़े हुए थे और क्योंकि ये इस अफेंस में एक्यूज्ड हैं, तो इनके इनकी बाकी सभी पुरानी एक्टिविटीज और इनकी ट्रस्ट की एक्टिविटीज और इनके जो ट्रस्ट की फाइनेंसिंग है, इन सब के बारे में हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से, और ये भी मुमकिन है कि आने वाले वक्त में मुफ्ती साहब पर जो है कुछ और सेक्शंस लगाए जा सकते हैं, उनके ऊपर और भी कुछ नए जो है सेक्शंस लगाए जा सकते हैं, सब आगे की इन्वेस्टिगेशन की जो चीजें बाहर आएगी उसी के उसी पे पता लगेगा। ये सब हमेशा इन्वेस्टिगेशन का ये भाग ही होता है कि जो है जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आती हम उनको आगे अगर सेक्शन ऐड करना होगा। तो कहीं ना कहीं आपने सुन लिया दोस्तों कि मुफ्ती साहब को लेकर के ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब को एक और मसले में जो है वो इन्वॉल्व करने की कोशिशें हो रही हैं, कि उनको लेकर के अभी और भी बातचीत होगी, मतलब और भी कहीं ना कहीं जांच पड़ताल होगी, और उस जांच में मुख्यतः जो जांच होने वाली है वो अब इस मसले को लेकर के होगी कि क्या मुफ्ती साहब किसी टेररिज्म से जुड़े हुए हैं, क्या उनका किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से कोई रिश्ता है, इनका जो ट्रस्ट है, इनके जो ट्रस्टी हैं, इन तमाम चीज़ों की जाँच पड़ताल होने वाली है। तो अब कहीं ना कहीं ये बात कहा जा सकता है कि मुफ्ती साहब के ऊपर एक कड़ी निगाह जो है वो डाली गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या गुजरात ATS ये अपने हिसाब से कर रही है या उनके ऊपर किसी का प्रेशर है, कौन है इसके पीछे, ये तो जांच का विषय है और आप तमाम लोग इसके बारे में ज़्यादा बेहतरीन समझ पा रहे होंगे कि कौन लोग हैं। कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब को लेकर के जो ये खबर सामने आई है वो काफ़ी परेशान करने वाली भी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि मुफ्ती साहब को आज रिहाई मिलेगी और उसके बाद इंशाल्लाह उनकी उनके जो वकील हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के देखेंगे और सही तरीके से इस पर आगे कानूनी कार्रवाई जो है वो होती रहेगी। आप तमाम लोग अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट सेक्शन में लिखिए #ReleaseMufti सलमान अजहरी साहब के साथ। आप हिंदुस्तानी मीडिया को पहले तो फॉलो कीजिए ट्विटर पर, उनके इस वीडियो को साझा करते हुए हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए रीट्वीट करिए और ये मांग कीजिए कि मुफ्ती साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जा सके। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तमाम अपडेट्स यहाँ मिलता रहे।